जी व्यूअर्स, आपका फ्रंट पेज विदम जब रैश में वेलकम बैक कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ स्टूडियोज में यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर नवीद बाकर साहब। डॉक्टर साहब आपको वेलकम करते हैं जी। व्यूअर्स, डॉक्टर साहब जो हैं डॉक्टर नवीद बाकर यूनिवर्सिटी ऑफ डेलवर में कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स उसमें प्रोफेसर हैं, वहाँ पर पढ़ाते हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन के प्रोफेसर हैं। पाकिस्तान अपने होमलैंड पे तशरीफ़ लाए हुए हैं तो हमने सोचा कि इनसे हम बहुत सी बातें हैं जो डिस्कस कर सकते हैं वो डिस्कस की जाएँ। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया बुलाने का मुझे यहाँ पे। मैं आज से तकरीबन 11 साल पहले यहाँ से आप गए पढ़ने के लिए, गया वहाँ? जी हाँ, पढ़ने के लिए गया स्टूडेंट। जी हाँ, पीएचडी करने या पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन करने? मैं सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न इलिनॉय यूनिवर्सिटी में जो शिकागो से 3 घंटे जुनूब में वहाँ पे 2 साल गुजारे। वहाँ से मैंने एमएस किया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट में और एमबीए किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना मूव हो गए जहाँ पे 4 साल मैंने गुजारे बिजनेस स्कूल में और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में पीएचडी की। गुड। और 2009 में यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर ज्वाइन की और जब से फिर वहीं है। अच्छा, ये बड़ा रेयर होता है हमारे लोग वहाँ पे जाएं और पढ़ें और वहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल पे, ये हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि पाकिस्तानी ओरिजिन का कोई पर्सनैलिटी वो वहाँ पर यूनिवर्सिटी लेवल पे बच्चों को वहाँ पर पढ़ा रही हो। तो ये कैसा तजर्बा है आपके लिए, खास तौर पे इस में जब बैक इन पाकिस्तान बहुत से मसाइल चल रहे हैं और अमेरिका में स्टूडेंट्स यूथ डेफिनेटली बहुत से आपसे बड़े एग्रेसिव क्वेश्चनिंग होती होगी कि जी आपके मुल्क में तो ये हो रहा है वो हो रहा है, तो कैसे इस सारे मामले को हैंडल करते हैं आप? हम जब यहाँ से जा रहे थे तो हमें हमारे रिश्तेदारों ने ही समझाया बताया कि जब एयरपोर्ट पर जाओगे अमेरिका में तो बड़ा मुश्किल के सामने तुम्हारे कुत्ते छोड़ देंगे और किस तरह से तुम्हारी सर्च की जाएगी। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी कि जिस तरह से उन लोगों ने हमें वेलकम किया। अच्छा, हम एक छोटी सी यूनिवर्सिटी में गए थे शुरू में। यूनिवर्सिटी तो उसके पास यूनिवर्सिटी में तकरीबन 22,000 स्टूडेंट्स थे, लेकिन जिस शहर में थी उस शहर में सिर्फ 8,000 लोगों की तादाद थी टोटल, जो शहर की पॉपुलेशन। हाँ, शहर की अपनी पॉपुलेशन, छोटा सा कस्बा हो गया ना, ये टाउन हो गया छोटा सा। तो जब कभी छुट्टियां होती थी जब स्टूडेंट सब चले जाते थे तो पीछे बिल्कुल एक सुनसान शहर बन जाता था वो। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ कि हमें एक्चुअली लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला ग्रास रूट पे उनकी जो सोसाइटी है। बिल्कुल, के कुछ ही स्टोर्स हैं वहां पे शॉपिंग करने गए तो हम जैसे कमी लोग होते थे वहां पे, तो हर किसी को पता होता था। फिर वहां के न्यूज मीडिया के लोग जो थे वो आके कभी हमसे क्वेश्चन सवाल जवाब करते थे, तो अखबारों में हम लोग मौजूद होते थे। तो कुछ ही अरसे में हर कोई हमें वहां जानता था और हम भी हर किसी को तकरीबन जानते थे वहां पे। जहां तक आपने ये बात की कि एग्रेसिव क्वेश्चनिंग होगी, आप इस चीज का अंदाजा यहाँ से लगाइए कि मेरी मिसेज जो है वो भी साथ में रह गई थी। उनका भी वही प्रोग्राम था और वो हिजाब पहनती हैं, नकाब पहनती हैं। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो यूनिवर्सिटी आईडीज बनवानी थी हमें, ठीक है, तो उसके लिए तस्वीर खिंचवानी होती है। तो एक औरत भागती हुई आई मेरी बीवी के पास और उनसे पूछा उन्होंने कि आपने नकाब पहना हुआ है, तो मुझे ये बताया गया कि आप शायद कंफर्टेबल ना हो सबके सामने अपना हिजाब उतारते हुए। अच्छा, तो अगर आप शाम को 5 बजे आ जाएं तो ऑफिस में कोई और नहीं होगा, सिर्फ मैं एक खातून वहां पे होंगी, तो मैं उस वक्त आपकी तस्वीर जो है आईडी के लिए ले लूंगी। तो अच्छा, हमारे लिए ये एक ऐसी चीज थी, आप अंदाजा कीजिए कि एक नए मुल्क में हम गए हैं, मुल्क से भी पहली दफा यू नो, और यहाँ से बहुत सी अप्रिहेंशंस भी लेके गए। जी हाँ, बिल्कुल, जो माहौल है उस वक्त वो भी बड़ा ऐसा बना होगा, पता नहीं क्या जाना होगा। तो ये हमारे लिए बहुत ही अजीब चीज थी कि इतना हमारा ख्याल रखना कि हमने क्या 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 चीज की है, यू नो, हमने क्या अकम्प्लिश किया एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो वो एक चीज थी। फिर उसके बाद इंटरनेशनल प्रोग्राम्स ऑफिस वालों ने पूछा कि भाई लोग पाकिस्तान के बारे में जानना चाहते हैं, इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाहेंगे? तो उस कमरे में जिस हॉल में वो प्रेजेंटेशन देनी थी उसमें तकरीबन 200 सीटें थी। ठीक है, वो 200 सीटें ना सिर्फ भर गईं बल्कि दीवारों के साथ दरवाजों में लोग बाहर तक खड़े थे सिर्फ सुनने के लिए, पाकिस्तान के बारे में सुनना चाहते थे, सुनने के लिए कि हम क्या बता रहे हैं उन्हें। अच्छा, हमने उनको बताया पाकिस्तान के बारे में, इस्लाम के बारे में। उसके बाद हमने उसे कोशिश किया कि ब्रीफ रखें ताकि क्वेश्चन आंसर ज्यादा हो सके और हम तैयार थे वहां पे हर तरह के क्वेश्चन पूछने के लिए।
लेकिन किसी ने कोई ऐसा, जैसे जैसे कहते हैं चुपता हुआ क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन, किसी ने नहीं, पोलाइटनेस में, आउट ऑफ पोलाइटनेस. ऑफ कोर्स उनके होंगे जहन में क्वेश्चंस, वो पूछना चाहते होंगे, लेकिन उनके अंदर ये एक पोलाइटनेस थी. जो ह्यूमन रेस्पेक्ट है. बिल्कुल. कि आप अंदाजा कीजिए, 250-300 लोग बैठे हैं, उनमें कोई एक आध तो शरारती होता ही है, लेकिन किसी एक भी बंदे ने वो क्वेश्चन नहीं किया. यहां तक कि जब प्रोग्राम खत्म होने लगा तो मैंने खुद कहा, मैंने कहा मैं तो तैयार होकर आया था कि आप शायद कोई मुश्किल क्वेश्चन करेंगे, तो अब आपने चूंकि मुश्किल क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो लेट मी टेल यू अबाउट सम थिंग्स दैट दैट आई फील यू मे फाइंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो उसमें उनका इंटरेस्ट और बढ़ गया. तो प्रोग्राम जो 1 घंटे के लिए था, वो 2 घंटे 2.5 घंटे चलता रहा. अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वहाँ पे अगर पाकिस्तानीज को जाते हैं एज स्टूडेंट्स जाते हैं किसी भी प्रोग्राम में, तो उस वो सोसाइटी अपने तालीमी इदारे ओपन कर देते हैं उसके लिए कि जो पाकिस्तान के केस वो जिस तरीके से वहाँ पे पेश करना चाहता है वो करे। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पे बात करेंगे, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन छोटी सी एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक भी उस लेते हैं और डॉक्टर साहब से आगे इस यहीं से बात को शुरू करेंगे। जी वेलकम बैक। कहते हैं जी आपको, जी डॉक्टर साहब, बात हो रही थी यूनिवर्सिटी की, आप जब ज्वाइन की यूनिवर्सिटी ने किस तरीके से आपको वहाँ पे वेलकम किया गया या ट्रीट किया गया। तो यूनिवर्सिटी ज्वाइन की अभी मुझे एक ही साल हुआ था कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एडवाइजरी काउंसिल एक होती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट बॉडी होती है जो यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन को और फैकल्टी को एडवाइज करती है स्टूडेंट के इश्यूज के बारे में, ठीक है। कि यूनिवर्सिटी क्या कर सकती है स्टूडेंट्स के लिए. हर जगह होती है, यहाँ पाकिस्तान में भी यकीनन होती स्टूडेंट है. यूनियन नहीं होती थी, मैं भी रहा हूँ उसका हिस्सा जब हम पढ़ते थे, लेकिन अब तो वो हमारे जो डिक्टेटर्स हैं उनको अच्छा नहीं ना लगता वो सियासी हों या फौजी, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, वो भी इस तरह की एक्टिविटी करें। लेकिन चलें, ये तो पुरानी बात अब होगी है, वहाँ तो अभी भी होती हैं। अच्छा, तो वहाँ पे उस काउंसिल के इलेक्शन होने थे, तो स्टूडेंट्स उसमें वोट करते हैं. अब हम वहाँ पे सब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को मिला के, सब मुल्कों से मिला के, तकरीबन कोई 150 के करीब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, ठीक है। 22-23 हज़ार स्टूडेंट्स में से, और पाकिस्तानी जो थे शायद 4-5 ही थे. तो मेरा नाम किसी ने प्रपोज किया, प्रपोज कर दिया कि उस काउंसिल के प्रेसिडेंट के लिए, और एक और साहब थे, अमेरिकन थे वो. ठीक तो है, वहाँ पे स्टूडेंट के सामने आप बताते हैं कि आप क्या कर प्लान्स, सकते हैं, अपने आप जी स्पीचेस, हाँ बिल्कुल, अपने कि आपने डिलीवरी। अभी तक क्या देखा है यूनिवर्सिटी के अंदर, आगे आपका क्या ख्याल है, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं यूनिवर्सिटी को, स्टूडेंट्स को कैसे हेल्प कर. तो मैंने भी वहाँ एक छोटी सी तकरीर की, और वो जो दूसरे अमेरिकन साहब थे उन्होंने भी एक तकरीर की. उसके बाद इलेक्शन हुए, और इस इलेक्शन में ओवरवेलमिंगली मैं इलेक्ट हो गया. आप जीत गए। जी हाँ, इलेक्शन जीत गए. तो उसके बाद उस अपॉर्चुनिटी ने कई और दरवाजे खोल दिए. मसलन यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ, डीन के साथ, मुख्तलिफ काउंसिल्स जो हैं उनके ऊपर, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन आई हैड टू रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स. तो मेरा मकसद कहने का ये है कि वहाँ पे कोई दरवाजे, जस्ट बिकॉज कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, कोई दरवाजे बंद नहीं हुए. अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप एस्पेक्ट बता रहे हैं ये बिल्कुल एक डिफरेंट एस्पेक्ट है जो अदरवाइज परसेप्शन है, और वो परसेप्शन पाकिस्तानी पाकिस्तान के बारे में अमेरिकी मीडिया या अमेरिकी रियासत हुकूमती इदारे और पाकिस्तान के मीडिया या हुकूमत और रियासती इदारों में अमेरिका के बारे में जो परसेप्शन है अवाम में भी वही आगे ट्रेवल कर जाती है, लेकिन अदरवाइज जब लोग लोगों को मिलते हैं तो फिर कुछ और तासर होता है। ये जो लोगों को लोगों से मिलाया जाए अगर, तो क्या वो फिर ज़्यादा इफेक्टिव टूल नहीं है सोसाइटीज़ को, लोगों को करीब लाने के लिए? आप भी कुछ इस तरह का वो कर रहे हैं काम? देखिए, बहुत सारे फिलोसफर्स और थियोलॉजिस्ट, उन सब का एक कंक्लूजन है कि अगर हम सब लोग सफर करने लगें और एक दूसरे से सफर मिलने नहीं, लगें, ट्रैवल ट्रैवल करने करने लगें और एक दूसरे से मिलने लगें, तो हमारे ये सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे. हमारे लड़ाई झगड़े जो हैं वो दूरियां जो सिर्फ, हैं, बिल्कुल, वो सिर्फ उस हद तक होते हैं जब तक हमने किसी और का शक्ल नहीं देखा, किसी और के फेस नहीं देखा होता. जब हम कहते हैं वो उसका है ना हफीज होशियारपुरी के गालबन के, दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बहम ना होंगे. बिल्कुल. अच्छा, तो यानी अगर हम एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तो फिर क्या होता है, फिर यही सिचुएशन होती है कि ड्रोन अटैक्स होते हैं, फिर यही सिचुएशन होती है कि यहां से फिर कि डेथ टू अमेरिका, बगैर इस चीज को सोचे समझे कि डेथ टू अमेरिका का मतलब है वहां पे बच्चे भी हैं,
वहाँ पे माएँ हैं, वहाँ पे बहनें हैं। नहीं लेकिन ये जो बात हम कर, वो तो रियासत ना हुकूमत चले उसको छोड़ें, उनके अपने होते हैं, वो ज़ाहिर है उन्होंने अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट पे बात करनी होती है और उसमें कई चीज़ें डिफरेंसेस भी होते हैं। ये जो लोगों का आपस में मिलना मिलाना है जिसके नतीजे में सफर, आप भी सिटीजन डिप्लोमेसी पे, आप बींग पाकिस्तानी, अब पाकिस्तानी अमेरिकन है, आप बैक इन पाकिस्तान, और आप एक कनेक्शन भी तो बन सकते हैं ना बिटवीन अमेरिकन पीपल एंड पाकिस्तानी पीपल। तो ये जो लोगों के दरमियान, वहाँ पर भी आप कह रहे हैं कि लोग सुनना चाहते हैं पाकिस्तान के बारे में, यहाँ भी लोग अमेरिका के बारे में सुनना चाहते होंगे रियल स्टोरीज के भी, असल में वो लोग कैसे हैं, मुआशरा कैसा है। बहुत से लोगों के ख्वाब भी होते हैं उनके इधर आने के, इनके उधर जाने के, तो इस फ्रंट पे भी कुछ कर रहे हैं आप। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जब मैं अभी शुरू शुरू में गया था तो हमारे जहन में भी एक इमेज था अमरीका का कि वहाँ पे मुश्किल क्वेश्चन होंगे, लोग हॉस्टाइल होंगे, फहाशी बहुत आम होगी, ये सब चीज़ें हमारे जहन में थी। मैं एक दिन एक ऑफिस में, वहीं यूनिवर्सिटी के ऑफिस में, कॉपियर पे एक किताब की कॉपी बनाने गया, तो वहाँ पे मैंने दो अमेरिकन औरतें सेक्रेटरीज जो थी आपस में बातें कर रही थी और एक ने दूसरी को कहा कि मेरे बच्चे ने कहीं से ये गाली का लफ्ज़ सुन लिया। अच्छा। और मैं बड़ी परेशान हूँ कि मैं कैसे उस बच्चे को, अपने बच्चे को समझाऊँ कि ये गलत लफ्ज़ है, इस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं करते हैं और ये बुराई की बात है। मैं थोड़ी देर सुनता रहा और फिर मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि तुम्हें पता है कि अगर दो माएँ पाकिस्तान में बातें कर रही होती अपने बच्चे के, तो उनकी भी यही के यही बात होती कि मेरे बच्चे ने कुछ गलत सीख लिया, मैं उसको कैसे ठीक करूं। तो उस चीज़ ने मेरे लिए एक तरह से ज़िंदगी बदल दी कि अगर हम लड़ाई झगड़ों को भूल जाएँ जो रियासती लेवल पर होते हैं, तो at the lower level we are all human beings. ठीक है, इस्लाम भी हमें यही सिखाता है। हम जब जाते हैं, हम जब यहाँ से गए तो हमें पता था हमारा स्टेटस कि हम अपने मुल्क की सफारत कर रहे हैं, हम मुल्क के सफीर हैं। ठीक है, हम इस्लाम के सफीर हैं, हमें अपने बारे में अच्छी चीज़ें उनको बतानी है और जो चीज़ें गलत हैं हमारे बारे में हमने उनको ठीक करने की कोशिश करनी है। ठीक है, मतलब एक तो परसेप्शन होती है और एक ये है कि एक्चुअली गलत चीज़ें भी होती हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सी अच्छी चीज़ें जिनको हाईलाइट करने की जरूरत है, लेकिन हमारे मुआशरे में कुछ कुछ बुरी चीज़ें भी हैं। ठीक है, इसी तरह अमरीका के अंदर है कि जहाँ उनके पास काफ़ी बुरी चीज़ें हैं वहाँ पर कुछ बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं। उनको समझने की, उनको और उसको समझने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब लोग आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, तो उसी सिलसिले में हमने एक डेलीगेशन, हमें यहाँ से पाकिस्तान सोसाइटी फॉर पीस यहाँ से इनविटेशन गई, तो वहाँ से वी वर एबल टू कलेक्ट अ ग्रुप ऑफ 10 इंडिविजुअल्स और वो 10 लोग जो हैं मुख्तलिफ इदारों में काम करते हैं। एक गवर्नर डेलावेयर के ऑफिस में काम करती हैं, एक साहब विल्मिंगटन शहर है डेलावेयर का सबसे बड़ा, उसमें मेयर के ऑफिस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, एक स्कूल की डीन हैं। इन सब लोगों को इकट्ठा किया। ज्यादातर टीचर्स हैं, इसका मतलब है। जी हाँ, टीचर्स भी हैं। आउटरीच बड़ी, अगर आप उनको यहाँ पे लेके आए हैं और वो एक पाकिस्तान को एक अच्छा इमेज लेके जाते हैं, तो दैट मीन्स तो वो तो फिर ओवर द ईयर्स उनके जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छा मैसेज पाकिस्तान के बारे में दे सकते हैं और एक जनरेशन तैयार हो सकती है प्रो पाकिस्तानी अमेरिकन की एक तरह से, ये जो समझते हैं कि जी पाकिस्तान अच्छा मुल्क है, अच्छे लोग हैं वहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है। मसलन इन्हीं लोगों में से ये सब लोग जो थे ओपन माइंडेड लोग हैं एंड जो कुछ भी मीडिया के अंदर वहाँ पे वो लोग सुन रहे थे कि पाकिस्तान में ये हो रहा है वो, उन सब चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए उन लोगों ने इस हिम्मत की और कहा कि ठीक है, हम साथ चलेंगे। उनकी फैमिलीज जिस तरह से हम यहाँ से जा रहे थे तो हमारी फैमिलीज कंसर्न थी, तो उनकी फैमिलीज भी इसी तरह, कहाँ पाकिस्तान जा रहे हो, वहाँ तो सिक्योरिटी के हालात खराब हैं। ये हमारी उम्मीद ये है कि जब हम वापस जाएंगे तो हम तो हैं ही सफीर पाकिस्तान के, ये सब लोग भी सफीर बन जाएंगे पाकिस्तान के, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की सही शक्ल देखी होगी। इस सिलसिले में मैं स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ होस्ट फैमिलीज का कि जिन्होंने उन लोगों को अपने घरों में ठहराया, ताकि ये लोग होटल्स में जाके कमरों में बंद होके ना बैठ जाएं, बल्कि एक्चुअली में लोगों के साथ घुल मिल जाएं, उनकी उनकी देखें कि घरों के अंदर जिंदगी कैसे गुजरती है, अपने बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं, लोगों के साथ डील कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें, इन चीजों को हाईलाइट करने की जरूरत थी और इस डेलीगेशन का यही एक बड़ा फायदा है कि जब ये सब लोग जाएंगे, अच्छा ये सब लोग
ऑफिशियल कैपेसिटी है इनकी, लेकिन यहाँ पे किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं है, यहाँ पे ये अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आए हैं एज ह्यूमन बीइंग्स, एज अमेरिकन सिटीजंस। ऑफिशियल भी यूनिवर्सिटी टीचर्स की कैपेसिटी जो है तो वो भी जाहिर है कि बड़ी ऑनर वाली बात है, टीचर्स अगर एक्सचेंज करते हैं आपस में आते जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और पूछना चाहूँगा, ये पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं और जो पाकिस्तानी अमेरिकन वहाँ पे जाके पाकिस्तानी सेटल हो जाते हैं, उनकी वहाँ की सोसाइटी में कॉन्ट्रीब्यूशन, एक तो हमारी हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि जो भी पाकिस्तानी वहाँ पे जाता है वो बेशक वहाँ का नेशनल भी हो जाए, उसकी लॉयल्टीज़ पाकिस्तान के साथ रहें। एक तो इस पर मुझे जो है ना डिवाइडेड लॉयल्टीज़ को मैं इस चीज़ को ओवरकम करना बहुत मुश्किल होता है कि जब स्टेट्स के इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं पे क्लैश कर रहे हों तो उस वक्त आपको क्या पोजीशन लेनी है, ये बड़ा मुश्किल होता है। और फिर यह है कि वहाँ पे जब आप रहते हैं तो उस सोसाइटी में, आप तो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, तो उस लेवल पे जाके कंट्रीब्यूट करना उस सोसाइटी में कि वो पाकिस्तान को एडमायर भी करें, पाकिस्तानी इसके टैलेंट को एडमायर भी करें, तो ये इटसेल्फ ये भी एक ड्यूटी बन जाती है एज एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, जो आपका ओरिजिन है उसके। तो इस सारे इस पे आप क्या कमेंट करना चाहेंगे और क्या समझते हैं कि वहाँ क्या रेटिंग है पाकिस्तानी सोसाइटी? देखिए, एडमिरेशन जो है उनकी पाकिस्तानी के लिए दो तरह की होती है, एक तो होती है सिर्फ जबान से कि आप बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा करते हैं, एडमायर करते हैं, सोसाइटी में एडमायर करते हैं, बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं, पाकिस्तानीज का अच्छा ही मिल जाएगा, अच्छे। लेकिन दूसरा लेवल जो है, हम तो समझते हैं पाकिस्तानीज वहां भी वही खराबियां करते हैं जो यहाँ पे करते रहते हैं, हर वक्त कोई ना कोई उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं, यहाँ पे तो ऐसे तासर होता है। देखिए, वहाँ ना सिर्फ वर्बल और अल्फाज से अप्रिशिएशन होती है बल्कि उससे आगे बढ़ के प्रैक्टिकल अप्रिशिएशन, कि आप ये देखिए, हम देखते हैं सऊदी अरब में जी फलां वो ड्रग्स में चार लोगों के सर कलम की पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेट, वो जो दुबई में फलां जो है वो जैली पिस्तौल लेके डकैतियाँ करते थे, जो ATM से पैसे ले वो जी पाकिस्तानी ओरिजिन के, अच्छा जी साउथ अफ्रीका में फलां हो गया मर्डर हो गया उसमें पाकिस्तानी, इंग्लैंड में फलां हो गया जी उसमें, ये जो क्राइम है इस तरह का, तो वो तासर, हम लोग तो यहाँ पे परेशान होते हैं यार, क्या जाते हैं वहाँ पे कमाने शमाने के लिए, कुछ फ़ायदा करने के लिए, और वहाँ जाके इस तरह के अगर वाकयात होते हैं तो गलत इमेज नहीं बनता? आप समझते हैं वहाँ पे नहीं है, अमेरिका में ऐसा नहीं है? देखिए, गलत लोग तो हर सोसाइटी में होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे कुछ लोग अगर वहाँ पे जाके कोई गलत हरकत करते हैं तो इसी तरह उनके अपने लोग भी गलत हरकतें कर रहे होते हैं, और वो उस चीज़ को पर्सपेक्टिव में रखना उन लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। लेकिन एक चीज जो, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल टेररिज्म से रिलेटेड ये क्यों होता है, एक वाकया किसी यूनिवर्सिटी में छोटा सा भी हो जाए, कोई पिस्तौल से कर दे तो वो ढूंढते हैं ये हमारा तासर है कि जी ये मुसलमान है ये पाकिस्तानी है, तो ब्लेम सीधा वो टका देते हैं पाकिस्तान के ऊपर या मुसलमानों के ऊपर, इस तरह का बहुत वो लगता है, अपने ही को उनका वाकया कर दे तो उसको कहेंगे ये नफसियाती मरीज है, और इस तरह तो इस तरह की चीजें भी तो हैं वहां पर या नहीं है, यह हमारा सिर्फ मिसपरसेप्शन है? नहीं, ये मिसपरसेप्शन नहीं है, इस चीज में हकीकत है, इस चीज में कुछ ना कुछ हकीकत जरूर है। तो और, इसको कैसे ओवरकम करते हैं फिर आप लोगों को तो बड़ी मुश्किल आती होगी ना इसमें? अच्छा, जब ये परसेप्शन क्रिएट होती है तो आम लोग जो हैं उनमें ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो एक आदमी का गुनाह जो है वो दूसरे के ऊपर नहीं थोपते हैं। गुड, अगर एक बंदे ने कोई चीज गलत की है वहां की जो है वहां के जो लोग हैं, बिल्कुल, यानी अगर किसी किसी लेट्स से पाकिस्तान ने किसी मुसलमान ने कोई चीज कर दी है तो उसका ये मतलब नहीं है कि लोग मेरे ऊपर आके क्वेश्चन करना शुरू करेंगे कि आप भी पाकिस्तानी हैं, हर कोई समझता है, हर कोई इस चीज को समझता है कि वो इंडिविजुअल एक्ट है, बिल्कुल ये इंडिविजुअल एक्ट है, और अगर कभी कोई इस तरह अच्छा उनकी तरफ से भी कुछ एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं कि जो जो खड़े होकर शरारती पन में आके गलत बातें शुरू कर दें, तो उनका जवाब बहुत सिंपल सा होता है कि आप एक्चुअली ये समझते हैं कि एक बिलियन से ज्यादा लोग इस तरह की गलत चीजों में बिलीव करेंगे, ठीक है, कोई एक आध लोग तो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हर कोई नहीं करता। इसी तरह से क्या सबके सब अमेरिकन दूध के धुले हुए हैं, ठीक है, उनमें क्या कोई गलत चीज नहीं होती है, दोनों तरफ तो वो इस चीज को रियलाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मैं ये पूछना चाहूंगा कि वहां पे पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तानी इसमें कंसर्न्स क्या होते हैं वहां बैठ के, जब आपस में आप लोग बैठते हैं टीवी देखते हैं या, तो क्या कंसर्न्स मेजर आप समझते हैं कि वो एड्रेस होने चाहिए पाकिस्तान तब तरक्की कर सके, एनालिसिस होता है ना आप लोगों का भी अपना? देखिए, पाकिस्तानी वहां पे अगर अगर मैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकूं तो मेरे ख्याल में एक कैटेगरी वो थी जो 1990 से पहले इमिग्रेट हुए, ठीक है, ठीक है, उन लोगों ने बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस की। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो 30-30, 40-40 साल से वहां पे, ठीक है, उन लोगों ने मुआशरे में इतनी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी हैं कि अमेरिकन मुआशरे में, अमेरिकन मुआशरे में, फॉर एग्जांपल डेलावेयर में जहां मैं रहता हूं
वहाँ पे हमारे एक हैं डॉक्टर सलीम खान साहब। डॉक्टर सलीम खान ने डेलावेयर स्टेट का जो सेनेट है उसमें जाके अपनी कुछ शायरी की चीज़ें पढ़ी हैं, गुड, शायरी करते हैं, और लवली, गुड, और मेडिकल डॉक्टर हैं, पूरी स्टेट उनको जानती है, गवर्नर उनके उनके साथ दोस्ती है, और कई लोग उनके साथ, डॉक्टर शीरीन जावेद हैं, डॉक्टर हुमायूं हैं, डॉक्टर आरिफ नियाज हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली खान है, बहुत सारे बेशुमार लोग हैं। बड़ी खुशी हो रही है कि डॉक्टर्स प्रोफेसर्स पाकिस्तानी अगर वहाँ पे हों, गुड, अच्छा वो सोसाइटी में जाहिर है हायर लेवल पे वो इंटरेक्ट भी कर सकते हैं और कंट्रीब्यूट भी कर। ये बड़ी कॉमन सी बात है, क्योंकि ये इतने नहीं है कि जी कैब ड्राइवर्स हैं पाकिस्तानी, जो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मतलब अच्छी अच्छी समझे जाते हैं कि टैलेंट वाले लोग हैं। तो ये मैं बात कर रहा हूँ जो 1990 से पहले जो लोग गए थे। फिर एक बीच में ये जो लॉटरी स्कीम के तहत जो वीजा लगे थे 1990 से, हाँ 1990 से लेके 96, 97, 98 तक, उसमें कुछ लोग ऐसे आए कि जिनको ऐसी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो तैयार नहीं थे वहां जाके सेटल होने के लिए, कि उनको टैक्सी ड्राइवर बनना पड़ा, उनको वो जॉब्स लेनी पड़ी। ठीक है, हमारे पास एक मिनट रह गया जी। तो एक तो वो कैटेगरी थी, और फिर तीसरी कैटेगरी वो है जो 2000 के बाद जाना शुरू हुए, जो तैयार थे, जिनमें मैं भी, प्लान्ड इमिग्रेशन, बिल्कुल, जो पढ़ने लिखने के लिए वहां गए, उन्होंने उस सोसाइटी को समझा, तो सब ने कंट्रीब्यूट किया है। जो इवन टैक्सी ड्राइवर है उसने भी कंट्रीब्यूट किया है अमेरिका की तरक्की में, और उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसको उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। अगर कोई टैक्सी चला, उसका ये मतलब नहीं है कि ये ठीक है। हाँ, तो क्या फाइनली क्या पाकिस्तान के लिए क्या रेकमेंड करेंगे कि क्या पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, तरक्की के लिए पाकिस्तानी यूथ को क्या रेकमेंड करेंगे आप? देखिए, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कुलु कौलन सदीदा, कि सीधी सीधी बात करो, और सीधी सीधी बात करने का मकसद ये होता है कि जो अच्छी चीज है किसी की आप उसको अप्रिशिएट करें, ठीक है, अगर कोई अपनी गलत चीज है उसको भी सही करें, ठीक है। सबसे पहले तो ये है, हम ये नहीं कर सकते कि हमारी हर चीज ठीक है, उनकी हर चीज गलत है, ये चीज सही है। सजेस्ट क्या करेंगे? तो दूसरी चीज मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हमारे लिए इस्लाम में अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें बताई। हजूर सल्लम को मस्जिद में आके किसी ने गले में कपड़ा डाल के गर्दन खींची उनकी, कि गर्दन लाल हो गई, लेकिन उन्होंने कभी गुस्से का इजहार नहीं किया, उसको प्यार मोहब्बत के साथ, उसको सिला रहमी के साथ उसको बर्दाश्त किया और उसको समझाया। तो बर्दाश्त, आप समझ जाएंगे, बिल्कुल हमारे मुआशरे में बर्दाश्त की, और यही उनकी कामयाबी की रीजन है कि उन लोगों ने ये बर्दाश्त का पन जो है वो पैदा कर लिया। डॉक्टर साहब, हमारे हमारा शो का टाइम भी खत्म हो गया, आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, और बर्दाश्त उनका फाइनल कंक्लूजन है कि दैट इज की टू सक्सेस। थैंक यू वेरी मच जी, कल सुबह फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।